विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी तरह व्यवस्था कर लिया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कोविड की टीम की विशेष महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। वहां पर कोविड हेल्प डेस्क के रूप में 5 टीम लगाई गई है और आने वाले सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही है, उनको सैनिटाइज कर रही है, टेम्परेचर नाप रही है और जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दे रही है। उन्होंने बताया कि 3 मार्च को सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रत्येक मतदान स्थल पर तैनात हो जाएगी तथा मतदाताओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएगी। इनके पास मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर और कोविड दवाओं का किट और पीपी किट रहेगा। आने वाले सभी मतदाताओं को सैनिटाइज किया जाएगा। जिनके पास मास्क नहीं रहेगा उनको मास्क दिया जाएगा तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 चिकित्सा अधिकारी की टीम बनाई है और सुपरविजन के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी निगरानी रखेंगे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक एक सेफ हाउस बनाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन, समस्त जीवन रक्षक औषधियां, उपकरण इत्यादि उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5 बिस्तर रिजर्व किए गए हैं। चुनाव में किसी आपदा से निपटने के लिए टीवी चिकित्सा अधीक्षक तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया गया है कि अपने अपने मुख्यालय पर 50-50 बेड आरक्षित रखें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को कायम करें और 100% मतदान करके गोरखपुर को ग्रेट गोरखपुर बनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सर बूथों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कोविड की टीम की बड़ी विशेष है और उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं वहां पर हमारी 5 टीमें लगी हैं कोविड हेल्प डेस्क के रूप में, और जो आने वाले सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर रही हैं, उनको सैनिटाइज कर रही हैं, उनका तापमान ले रही हैं और उनके पास मास्क नहीं है तो उनको मास्क दे रही हैं। इसी प्रकार कल सुबह 6:30 बजे से हमारी टीमें प्रत्येक मध्य स्थल पर तैनात हो जाएंगी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगी, उनके पास मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर और इसके साथ साथ कोविड की दवाओं का किट और पीपी किट रहेगा। आने वाले समस्त मतदाताओं को सैनिटाइज किया जाएगा, उनको अगर मास्क नहीं है तो उनको मास्क दिया जाएगा और अगर कोविड धनात्मक कोई मरीज़ वोट डालने की इच्छा प्रकट करता है तो उसको मतदान के अंतिम चरण में पीपी किट पहना करके किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर उत्सर्जित होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करके हमारी टीम ही उसे निस्तारित कराएगी। इसी प्रकार जब कल शाम को 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद पोलिंग पार्टियां अपने ईवीएम को जमा करने के लिए आएंगी तो भी हमारी एक कोविड हेल्प डेस्क बनी रहेगी और वो हेल्प डेस्क सभी आने वालों को सैनिटाइज करेगी और मास्क उपलब्ध कराएगी। इसके साथ साथ चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमने जो है 2-2 चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम बनाई है, उनके सुपरविजन के लिए उनसे संबंधित क्षेत्र के हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनका सतत निगरानी रखेंगे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोगों ने और सभी इकाइयों पे एक एक सेफ हाउस बना रखा है जहां पर समस्त जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन, उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5 बिस्तर रिजर्व किए गए हैं चुनाव में किसी आकस्मिकता की स्थिति को निपटने के लिए। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक और टीबी चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया गया है कि वो अपने मुख्यालय पर 50-50 बेड आरक्षित रखें। कुल मिलाकर के ये है कि हमने चुनाव के दृष्टिगत कोविड से बचाने की पूरी व्यवस्था की है और इसी क्रम में 18 साल के ऊपर के जितने भी गोरखपुर की जनता है सबको प्रथम खुराक लगा चुका हूँ 101% लोगों को, और द्वितीय खुराक जो है हमारी 77% जो एलिजिबल लोग थे उन सभी लोगों को लग चुकी है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ
कल के महायज्ञ में सब लोग सम्मिलित हों, निर्भीक और निडर होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल को मत भूलिएगा। निश्चित रूप से आप लोग एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को कायम करेंगे और 100% मतदान करके गोरखपुर को ग्रेट गोरखपुर बनाएंगे।